और 9 दिसंबर को आप सबकी लगन और मेहनत ने जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया, और अब 5 साल पूरे होने पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये दर्शाएं कि जो उनका निर्णय था, जो उनका पौधा था, आज वो फल देने वाले पेड़ जैसा विशाल हो चुका, मजबूत हो चुका। साथियों, समय भी बड़ा कठिन देखा सबने। जब पार्टी का निर्माण हुआ, मुझे याद है, लोग तो अलग अलग बातें किया करते थे, ये तो पार्टी बनने से पहले खत्म हो जाएगी। ये भी कहा करते थे कि तो छोरों का टोल है, बच्चों की पार्टी है। जिनके उपचुनाव को हमने मजबूती से लड़ा, पीछे रह गए। हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5 सीटों पे गठबंधन में थे, पीछे रह गए। मगर ये आप लोगों की मेहनत लगन थी जिसने हौसला नहीं टूटने और पार्टी ने और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपना कदम रखा। विधानसभा में जब लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रदेश में 18% वोट लेकर 10 विधायक आप लोगों की मेहनत में जिता लिया। और मैं तो पहले भी कह के गया था, आज भी कह के जाऊंगा, मेवात वालों को कम भरोसा था कि 10 आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा हौसला हो जाता मेवात के साथियों को, तो ये 3 सीटें भी नहीं छोड़ते, छोड़ते नहीं छोड़ते। ये हौसला हो गया 11 महीनों में तो के विधायक जिताएंगे। मगर अब सब साथियों में हौसला है, अब सब साथियों ने मेहनत करी है, लगन से घर घर जाकर पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया, नए लोगों को जोड़ा। बहुत से हमारे पदाधिकारी भी जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंची के चुनाव जीत कर आए। बहुत से ऐसे हमारी समान विचारधारा के साथी जो पीछे रह गए थे, वो भी जीते, और कई साथी बड़े कम अंतर से भी हारे। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, जब आपने उनका पहले साथ दिया लिया, आज उनको क्यों छोड़ो? अगर हम 2019 में हौसला छोड़ जाते तो क्या 10 विधायक जीतते और सरकार में हिस्सेदार बनते? अगर कोई साथी हार भी गया, थपकी दो, दोबारा उसको खड़ा करो, और कोई पीछे रह गया तो भी आपकी जिम्मेवारी है कि उसको साथ लेकर आगे रखो। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप जाओगे, आप हौसला दोगे, तो वो साथी और दुगड़ी मेहनत से काम करेगा आगे रैली के लिए, पार्टी के लिए। और एक रिकॉर्ड हम मेवात की तरफ से हमारे भिवानी की धरा पर बनाने का काम किया। साथियों, एक चीज और है, तो मेरे से पूर्व वक्ता बतानी भूल गए, अंतराम तवरदी ने सुझाव दिया था कि इस बार देख लो कौन कहां से कितने साथी आते हैं, इस पर पूरी निगरानी रखने की जरूरत है। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आदेश है कि इस बार रैली के पंडाल में ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। जैसे पलवल का अलग ब्लॉक होगा, मेवात का अलग ब्लॉक होगा, और ब्लॉक वाइज जिस जिसने मेहनत करी, जितने जितने साथी आए, उसको देखा जाए। मैं 2 सुझाव दूंगा। एक तो अपने आदत है, लिखवा देते जी 100 गाड़ी लाऊंगा, 200 गाड़ी लाऊंगा। एक गाड़ी में 5 से 7 लोग भरते हैं, 7 लोग तो हम बिठा लेंगे। 100 गाड़ी भी करती तो कितने गए? 700। और अगर हमने 10 बसें भी कर ली तो 1 बस में कितने आते हैं? 50। और छत पे मेवात वाले बिठा दे तो 70। और अगर आपने 10 बस भी उतनी ठंडी भर दी तो पूरी की पूरी वो गाड़ियों वाली भरपाई हो जाती। पर दिक्कत क्या है, कई बार मैं सोचता हूं मैं मेरी गाड़ी में चलूंगा बेहतर रहेगा। गाड़ी में कौन गया? नेता गया, ड्राइवर गया, और तीसरा कोई एक आधा नारे लगानिया चलाएगा। 3 लोग एक गाड़ी में जाते हैं। तो मेरी सब पदाधिकारियों से भी जिम्मेवारी के साथ रिक्वेस्ट है कि इस बार गाड़ी की बजाय आप भी बस में साथियों के साथ बैठ के जाओ, जो हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ेगा। और हर्ष कुमार जी को भी कहूंगा, आप प्रभारी हो, इन सब की अब मीटिंग के बाद एक मीटिंग ले लो, जो कहे मैं 10 बस दूंगा, 20 बस दूंगा, 40 बस दूंगा, एक पूल बना लो। कई साथी गाड़ी साधन देने वाले और कई साथी भरने वाले,
शायद आर्थिक तौर पे बढ़ने वाला उतना सक्षम ना हो कि वो दो बसे तीन बसे कर ले, तो एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी, साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे। और मैं मानता हूं कि जो मेवात का ब्लॉक होगा वो भिवाड़ी के ब्लॉक से भी अच्छा मजबूती के साथ बढ़कर हम डॉक्टर राजेश चौटाला जी को विश्वास दिलाएंगे कि जो डॉक्टर साहब की सोच थी उस सोच को हमने आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का काम। हमारा गायक साथी कहाँ गया? ये कह रहा था मेवात को यूनिवर्सिटी दे दो, फिर तो इसने हमारे इस बार बजट पढ़ा ही नहीं सरकार। इस बार तो हरियाणा सरकार की प्राथमिक घोषणाओं में थी कि मेवात में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये जो युवाओं का सपना था इसके पूरा। साथियों मैं एक चीज बोल सकता हूं, हमने अनेक कदम उठाए। मैं मंडी में आया तो मेरे भी हैरानी हुई भी इतने बैग मंडी में कैसे पड़े। तो मैं पूछवाया, मैं कहे सरकारी खरीद वाले, कहते नहीं दिए तो महंगी खरीद वाला है और प्राइवेट आड़तियों ने खरीद के रखी भी। आप देखो कभी ऐसी व्यवस्था होती थी कि मंडी में रेडली मीटिंग करने का मौका अवसर भी नहीं मिलता था क्योंकि अनाज लंबे लंबे समय पड़ा रहता, और जब खरीद होती थी तो ये पत्रकार साथी बताएंगे कि ट्राली के ऊपर भी चद्दर लगा के किसान को एक एक दो दो रात सोना पड़ता था कि उसकी खरीद है। पर आज क्या व्यवस्था है, गांव से कब चलना है वो भी सरकार बताती है, अनाज एक घंटे में उसका बिक जाता है, घर चला जाता है और घर जाने के दो दिन के बाद उसके खाते में उसकी पूरी कमाई को सरकार भिजवाने का काम। और डेढ़ महीने खरीद चली, पूरे हरियाणा में किसी मंडी से नहीं आया कि हमारे यहाँ जाम लगा, धरने चले। और दो महीने के अंदर जितना धान खरीदा गया दो दिन के अंदर 12,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हरियाणा सरकार ने पूरा भेजा। ये व्यवस्था परिवर्तन। साथियों वही उसी तरह इलाज के लिए मुझे कई बार कई साथी मिलते हैं, जी हमने तो जीबी पंथ में जाके इलाज कराना, हमने तो इस अस्पताल में इलाज कराना है, पैसे नहीं है सरकार से मदद करा दे। अब तो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा मजबूत कदम उठा लिया कि जितने परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है परिवार पहचान पत्र में उन सब के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। और आयुष्मान कार्ड का मतलब है पूरे देश भर के अंदर कहीं आप इलाज कराओगे 5 लाख तक का इलाज हरियाणा सरकार की भरपाई से पूरा किया जाएगा, आपके ऊपर इलाज के लिए कोई बोझ नहीं किया जाएगा। वैसे ही पीछे जब मैं गांव में प्रोग्राम करके गया तो कहा गया कि बीपीएल कार्ड बनाओ। एक तो बीपीएल कार्ड की परिभाषा क्या है, तो पत्रकार साथी भी जानते हैं कि पीला राशन कार्ड बीपीएल कार्ड, मगर हम किसी के परिवार को रंग कैसे देते हैं ये बड़ा चिंता का विषय। और मेरे भी साल एक से एक इसमें फिक्र थी हो रखी थी कि परिवार को रंगों से बांट दिया, सबसे गरीब गुलाबी, उसके ऊपर पीला, उसके ऊपर कोई है तो उसको खाकी दे दिया और खाकी के ऊपर कोई है तो उसको हरा दे दिया कि ये गरीबी रेखा से ऊपर है ये हरा है। और ये किस आंकड़े पे किया, 2011 के आंकड़ों पे सेंसस, उसके बाद कोई आंकड़ा ही नहीं देखा। साथियों ये वादा मैं करता हूं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस चीज में भी परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन ऐसा कि परिवार को एक तो रंग देना बंद कर दे, और यहां हमारे हरियाणा के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति अगर उसकी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे आएगी तो फिर उसको कॉपी लेने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड लेकर जाए, परिवार पहचान पत्र लेकर जाए और राशन डिपो पे जाकर आधार कार्ड से अंगूठा लगाए, उतने में कंप्यूटर पे आ जाएगा कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है या ये अबव पॉवर्टी लाइन है। और पूरा 1,80,000, 1,20,000 नहीं आज तक 1,20,000 था, 1,80,000 पे वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी जो बीपीएल परिवारों को। साथियों सरकार निरंतर आपके लिए जनहित में काम कर रही और करती रहेगी, हमारी जिम्मेवारी है और आप लोगों को आपका करा हुआ विश्वास है, मगर इसके साथ साथ संगठन पे भी काम करना जरूरी है। और संगठन पे काम करने के लिए यही विनती है कि जब ये मील का पत्थर हम पूरा कर रहे हैं, जो मील का पत्थर हमारा 5 साल का, इस मील के पत्थर को ऐसा मजबूती से लगाओ कि वो प्रदेश के अंदर ही नहीं देश में एक संदेश भेजे कि 5 साल में जो मेहनत आप जैसे कार्यकर्ताओं ने करी है आज उस मेहनत का नतीजा है
कि पार्टी एक नए मुकाम पर एक नई ऊंचाई पर पहुंची। और मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं, आप स्टेज पे देखो तो ये अनंत राम जी है, बदरुद्दीन जी है, हर्ष कुमार जी को मैं भी बुजुर्ग नहीं मानता, ये तो युवा है हमारे, मगर ये इस सेज के अंदर भी हमें हौसला दे के रखते। आज भी पार्टी संगठन कहीं जिम्मेवारी लगाए तो वहां जाकर दिन रात काम करते। मैं तो मेरे युवा साथियों से आग्रह करूंगा, आपकी जिम्मेवारी तो इनसे भी हजार गुना ज्यादा है। और मैं तो सरपंचों से मिल रहा था, अभी एक साथी आया था, कहां गया 27 साल वाला, मैं ये रहा। अबे 27 का सरपंच बन के आ गया, पार्षद जिला परिषद, वो 22 का सरपंच बन गया, क्या नाम है, आमिर, 22 का जीत के आ गया। इस बार एक खुशी की बात है, एक तो हमारा वादा पूरा हो गया, 50% महिलाएं आ गई, और पहली बार है, पिछली बार तो शिक्षा सुक्षा की वजह से मेवात में बड़ी दिक्कतें थी, इस बार वो भी दिक्कत नहीं आई, सारी की सारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 50% में महिलाएं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 70% से ऊपर युवा बन के आ गया, तो एक वादा आधा तो पूरा हो गया। सरकार ने तो वादा किया था 75% रोजगार का प्राइवेट सेक्टर में, जो कोर्ट ने फैसला करना है, मगर हमने पंचायतों में 75% कर दिया, ये तो मेरे पत्रकार साथी भी वेरीफाई करा सकते। और 50% नहीं 75% अगर युवाओं को नेतृत्व मिल गया तो मैं मानता हूँ शिक्षित पंचायतें, एनर्जेटिक पंचायतें बनेंगी जो अपने इलाके का विकास करेगी। और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि रैली के लिए 9 तक जोर लगा दो, ये जो काम वाले हैं, मेरे गली बनवा दो, मेरे नाली बनवा दो, मेरे गांव के अंदर चौपाल ठीक करा दो, ये 9 तक आप पार्टी को दे दो, 9 के बाद मेरी जिम्मेवारी है विकास कार्यों के अंदर आपके साथ। साथियों मैं तो इतना बोल सकता हूं कि ये पार्टी आपका लगाया पौधा है और इसको मजबूत करना आगे बढ़ाना ये आपकी जिम्मेवारी है। जितनी मेहनत लगन के साथ आप काम करोगे उतना ज्यादा मजबूती के साथ हम संगठन को बढ़ा पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है, पिछली बार तो लोगों ने बहका दिया था मेवात में कि ये सरकार में नहीं आएंगे, तो हमारे तीनों साथी रह गए थे, मगर इस बार आपसे विनती प्रार्थना है कि बहकना नहीं, आज से शुरू करो। कोई साथी पीछे रहा हुआ भी, 2-4 साथी है जिनका मन कर रहा है, कई बार चर्चा होती है तो कहते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, आज उनके घर भी जाओ और 9 तारीख की रैली में उनको लेकर पूरी तौर पर पार्टी के प्रति समर्पित करो। मैं तो यही प्रार्थना लेके आया था और यही आग्रह करूंगा, जो साधनों वाला काम है ये सारे मिलके साझा कर लोगे तो ज्यादा संख्या में जाओगे, और ज्यादा संख्या में जाओगे तो उस पंडाल में मेवात की एक अलग पहचान मिलेगी। और मैं तो ये मानता हूँ मेवात में अगर साधन 10,000 भी हो गए तो मेवात 50,000 की संख्या के अंदर भी पहुंच कर भिवाड़ी के अंदर रैली अकेला कर सकते, मगर वही है कि कैसे गांव दर गांव जाके न्योता दिया जाए और समय पर साधन पहुंच जाए कि सभी साथी समय अनुसार रैली की ओर चल पड़े। मैं तो यही प्रार्थना विनती आपके बीच में करने आया था और यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी इसी प्रकार से इसी लगन और मेहनत के साथ 9 तारीख को भिवाड़ी पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाओगे कि उनका संगठन पहले से भी मजबूत हुआ। आप सब आए पूर्ण, आप सबका बहुत। हथीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अस्पताल जहां बिना इंजेक्शन ऑपरेशन के होता है इलाज, जैसे लकवा, गुर्दे या पित्त की पथरी, दमा, सांस फेफड़ों की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, दिल की नसों में ब्लॉकेज या सूजन, बच्चेदानी में रसोली या गांठ, सफ़ेद पानी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी, जोड़ों का दर्द, डिस्क स्लिप, घुटने व कमर दर्द, पीलिया या पुराना बुनियादी बुखार, बवासीर या सेक्स समस्याएं, नामर्दी धात शीघ्र पतन, बिना अंग्रेजी दवाओं के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के केवल 100 रुपये में इलाज किया जाता है। यहाँ पर लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी डिप्लोमा कोर्स जैसे BMS, CMS, ED, DMLT, ANM, GNM जैसे नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं।